स्वागत है आपका स्टडी लैब्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ गैलीलियो मेजर्ड टाइम। तो जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि बड़ा आसान है समय नापना। हम जेब से मोबाइल निकालते हैं, अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं और हम टाइम मेजर कर सकते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले इतना आसान नहीं था। घड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इवन क्लॉक्स नहीं थी। तो उन्होंने कैसे टाइम को मेजर किया? अच्छा, उससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे मेन जो हमारा डिस्कशन है वो तो टाइम के लेकर है, लेकिन हम सीधे यूनिट्स में किलोग्राम और मीटर और सेकंड हम डायरेक्ट डिस्कस करने से बेटर है कि हम उनके बारे में अगर थोड़ा जाने, खासकर टाइम के बारे में, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से टाइम पे थोड़ा सा फोकस मेरा ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने कहा कि पहले कैसे करते थे, तो गैलीलियो से पहले क्या होता था कि टाइम और मोशन बेसिकली फिलोसफिकल कंटेंट माना जाता था, कि वो फिलोसफी का अंग है और उस पर फिलोसफिकल आइडियाज को सोचना है और सोच के हमें कोई निष्कर्ष निकालना है। लेकिन गैलीलियो को कहा जाता है कि वो पहले फिजिसिस्ट थे। ठीक है, पहले फिजिसिस्ट का टाइटल गैलीलियो को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेजर किया, देखा कि कितना टाइम लगता है अगर हम रोल करेंगे या पुश करेंगे, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितने समय में ट्रैवल करेगा। तो जो पहले एक्सपेरिमेंट्स किए, जो पहले मेजरमेंट्स किए, वो गैलीलियो ने किए। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्या किया, एक प्लैंक लिया, एक इंक्लाइन लिया, ठीक है, और यहां पर क्या किया, एक बॉल रखी, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंसेस पे, मतलब इतना डिस्टेंस उन्होंने नाप लिया, तो ये अगर 1 है तो इतने ही डिस्टेंस के बाद 2 आएगा, इतने ही डिस्टेंस के बाद 3 आएगा, इतने ही डिस्टेंस के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बॉल को रिलीज किया, ठीक है, और समय को कैसे नापा, ठीक है, उन्होंने कहा ना कि उस वक्त घड़ियां तो थी नहीं, समय को कैसे नापा, तो हमारा ये जो पल्स होता है, ठीक है, ये जो हमारा डॉक्टर वगैरह इस तरीके से उंगली रख के हमारे नब्ज नापते हैं, तो उसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नापा, ठीक है, कि मेरी एक जो पल्स है उसके अकॉर्डिंग वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो जो टाइम का उन्होंने डिवाइस यूज किया वो अपनी पल्स को यूज किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब एक बार पल्स चली तो ये मतलब 0 पे था, जब दोबारा चला, ठीक है, तो ये कहां पर पहुंच गया, ये 4 पर पहुंच गया, ठीक है, मतलब 1 था फिर 4 पहुंच गया। जब उनकी तीसरी पल्स उन्होंने मेजर की, काउंट की, अब 3 पल्स हो गई हैं, तब वो डिस्टेंस कहां पहुंच गया, वो 9 पे पहुंच गया, ठीक है, फिर 16 पे पहुंच गया, चौथे पे, फिर इसके बाद 25 पे पहुंच गया। तो उन्होंने वहां से इसको मेजर किया, और ऑब्वियसली बात है कि उस वक्त इनके लिए अलग डी और टी सब नहीं लिखा जाता था। मैंने कहा अगर आपने मेरा कैलकुलस वाला कोर्स फॉलो किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इनको थ्योरी के फॉर्म में लिखा जाता था, इनके फॉर्मूले नहीं बनाए जाते थे, इनको थ्योरी कहा जाता था कि जो टाइम आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो टाइम के क्या होगा, डिपेंड करेगा 4, मतलब इंटरवल्स जो होंगे वो 1, 4, 9, मतलब इंटरवल की बात कर रहे थे वो, कि टाइम का एक इंटरवल इक्वल होगा डिस्टेंस के 4 इंटरवल के, फिर 9 इंटरवल, मतलब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट आया 9, फिर 16 के, फिर 25 के, मतलब लीनियर रिलेशन नहीं है कि वो 1 पल्स हुआ तो वो 1 तक गया, फिर 2 पल्स हुए तो 2 पर पहुंचा लुढ़कते लुढ़कते, फिर 3 पल्स हुए तो 3 तक पहुंचा, ऐसा रिलेशन उन्होंने कहा कि नहीं है। लेकिन जो पहला मेजरमेंट किया वो किससे किया, उन्होंने अपने नब्ज से किया, अपने पल्स को यूज किया उन्होंने टाइम को मेजर करने में। आज हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जो डी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, मतलब टाइम अगर 2 हो गया है तो डी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टाइम अगर 4 हो गया है, 4 पल्स या 4 सेकेंड हो गए हैं, तो डी क्या हो जाएगा, डी हमारा 16 हो जाएगा। तो आज हमारे लिए ये फॉर्मूला कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसके फॉर्मूले की ये जो खोज हुई है इसी इंक्लिनेशन वाले से हुई थी। इसके बाद गैलीलियो ने क्या देखा कि ये पीरियोडिक है, ठीक है, आप जितनी बार भी करेंगे ये ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ये पीरियोडिक है। वहां से फिर उनको आइडिया आया कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, क्या हर चीज एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट होती है? तो पीरियड को टाइम से रिलेट करने का काम भी गैलीलियो ने ही किया, कि जो जो पीरियड होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, उसको टाइम के साथ उन्होंने रिलेट किया। और उससे आपने जो पुराने घड़ियां देखी होंगी वो अभी हम उस पर पहुंचेंगे कि वो कहां से आई और वो कैसे बनी। तो हुआ क्या कि उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। क्या किया उन्होंने, उन्होंने जो दिन था फिर उसको देखा, उसको मेजर करने लगे। ठीक है, मान लीजिए एक दिन हमारा अगर 24 घंटे का होता है तो ऑन एवरेज 24 होता है, कभी दिन जल्दी हो जाता है तो रात लंबी हो जाती है, कभी रात लंबी होती है तो दिन छोटा होता है, और इसी तरीके से चलता है। लेकिन अगर आप एवरेज निकालेंगे पूरे 365 दिन का, 24 आवर का ही
ये निकलेगा। गैलीलियो ने कहा कि क्या हम इस टाइम को, क्योंकि ये अपने आप में एक पीरियोडिक टाइम है, रिपीट होता रहता है, तो क्या हम इस टाइम को छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, जो सैंड वाला हमारा आता है, ठीक है, कि इधर सैंड भरी होती है और इधर सैंड भरी होती है, ठीक है, और इधर से सैंड धीमे धीमे नीचे आ रही होती है, तो इसका नहीं पता कितना इंटरवल होगा, क्योंकि हमने अभी तो टाइम को डिफाइन ही नहीं किया है कि कितने घंटे का होता है और कितने मिनट होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इसको अगर एक्स मान लें, तो कितने टाइम्स इसको हम फ्लिप करेंगे कि हमारा पूरा एक दिन कवर होगा, ठीक है। तो एक एक सपोज हम संख्या ले लेते हैं कि एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और हम 24 ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम 24 ले लेते हैं, कि पूरे दिन में ये 24 बार हमें को इसको पलटना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हो गया, नीचे पहुंच गया, हमने तुरंत ऐसा अरेंजमेंट किया है, हम खुद बैठे हैं कि हमने तुरंत इसको पलट दिया, तो हमें ऐसा पूरे दिन में 24 बार करना पड़ा। तो ये जो सैंड वाला था, इसका टाइम कितना निकल के आया, 24 आवर डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स, तो 1 आवर का निकल के आया, ठीक है। हम क्या इससे छोटा बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं। हम ऐसा बना सकते हैं कि हम जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर मतलब नीचे पहुंच जाए, हम 1 घंटे का सैंड जो टाइम है मशीन उसको बनाने की जगह, हम इससे छोटा बना सकते हैं जिसमें कम सैंड हो और वो 1 मिनट के अंदर पहुंच जाए। तो हमें अब इसको करने के लिए कितना चाहिए, ठीक है। तो तब उसको देखा गया कि जब ये एक तरफ रखा गया बड़ा वाला और एक तरफ छोटा वाला रखा गया जो 1 मिनट का था और ये 1 घंटे का था, तो देखा गया कि जब ये पूरा एक ड्रिप होके नीचे पहुंचता है तो इसको कितनी बार फ्लिप करना पड़ा, इसको 60 बार फ्लिप करना पड़ा, ठीक है। तो तब वहां से निकल के आया कि नहीं, अच्छा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक। फिर क्या निकला, फिर इसमें भी और छोटा बनाया गया, तो इससे भी छोटा बनाया गया, तो देखा गया कि अच्छा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से ये इस तरीके से समय को नापने की शुरुआत हुई। फिर बाद में क्या आया, फिर गैलीलियो ने देखा, गैलीलियो ने यह देखा कि अगर हम एक पेंडुलम लें, छोटा पेंडुलम, बड़ा पेंडुलम नहीं, छोटा पेंडुलम लें, तो उसका भी जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। उसमें अगर हम उसको परफेक्ट आइडियल कंडीशंस दें, बड़ा लेंगे तो फिर उसमें डेविएशन आएगा, लेकिन अगर हम एक छोटा पेंडुलम लें और उसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें कि वो सेम फ्रिक्वेंसी से फोर्स्ड वाइब्रेशन उसमें होता रहे और वो सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता रहे, और एक काउंटर लगा हो जो काउंट भी करता रहे साथ में, तो ये भी अपने आप में एक टाइम को मेजर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है। मैंने कहा ना कि जो भी पीरियोडिक मोशन होता है वो अपने आप को रिपीट करेगा, तो हम काउंट कर सकते हैं कि अगर ये हम इसका, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g, तो हम अगर टाइम पीरियड इसका 1 सेकेंड रख दें तो हमें मालूम होगा कि हमको एल कितना चाहिए उसके लिए, ठीक है, हमें इतनी लेंथ चाहिए, तो वो जो टाइम पीरियड उसका होगा घूमने का वो कितना होगा, 1 सेकेंड होगा, है ना, वो 1 सेकेंड में अपना पूरा कर लेगा। तो हम उसका लेंथ फिक्स कर सकते हैं कि इतना लेंथ अगर हम देंगे तो वो 1 सेकंड का ही घूमने वाला है। तो उसने फिक्स किया, तो उसने देखा कि अच्छा 1 सेकंड इतना है, ठीक है। फिर देखा कि अच्छा कितनी बार घूमेगा, तो 60 बार घूमेगा तो 1 मिनट हो गया। जब वो 3600 बार घूमेगा तो 1 घंटा हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे पेंडुलम्स थे उनका स्विंग की मदद से क्या किया गया, उनके स्विंग की मदद से पहली बार टाइम को मतलब एक मेजरमेंट, मैंने कहा ना कि गैलीलियो ने कहाँ से शुरुआत की थी, गैलीलियो ने शुरुआत की थी अपनी पल्स को नापने के, वहां से उन्होंने टाइम को नापा था और वो पेंडुलम्स तक पहुंच गए थे कि हम पेंडुलम से भी टाइम को नाप सकते हैं, क्योंकि पेंडुलम अपने आप को रिपीट करेगा। पूरे दिन में अगर वो 1 लाख बार रिपीट करता है तो हम निकाल सकते हैं कि 1 बार घूमने पे कितना समय गुजर गया, 100 बार घूमने पे कितना समय गुजर गया, अगर 10,000 बार वो इधर उधर गया तो कितना समय गुजर गया, तो हम मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हैं कि अगर 1 लाख में एक पूरा दिन निकला है। तो इस तरीके से समय को नापने की शुरुआत हुई थी। अब हम मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल की एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो बहुत ज्यादा हम छोटा नहीं बना सकते हैं, तो वहां पर फिर क्या आया, वहां पर फिर इलेक्ट्रिकल करंट को आया कि हमने इलेक्ट्रिकल करंट को आगे पीछे वाइब्रेट कराया, अब वो अगर वाइब्रेट हो रहा है तो हम टाइम इंटरवल, क्योंकि हम छोटा करते चले जा रहे हैं ना, पहले 1 घंटे का सैंड बॉक्स लिया, फिर 1 मिनट का लिया, फिर 1 सेकंड के लिया, लेकिन एक लिमिट आती है कि हम उससे छोटा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर हमारा इलेक्ट्रिकल जो हमारा ऑक्सीलेटर्स थे वो काम आए, हम इलेक्ट्रिकल करंट को ऑक्सीलेट करते रहे और हमने वहां से टाइम निकाला कि अभी ये इतनी बार ऑक्सीलेट हुआ है तो इतना टाइम हो चुका है। अगर मान लीजिए 10 बार ऑक्सीलेट हुआ है तो इसका मतलब कि टाइम कितना बीता है, 1 सेकंड का बीता है, तो एक ऑक्सीलेशन अगर होगा उस पर तो इसका मतलब क्या होगा, 1/10 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम और छोटे छोटे इंटरवल्स निकालते रहे और अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 10^-12 तक का हम टाइम, मतलब इतना छोटा टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी में। इससे छोटे भी अभी चल रहे हैं और बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेजर वगैरह का भी अब उसमें यूज होने लगा है कि लेजर की फ्लिपिंग कितनी जल्दी हो जाती है,
कितने जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है, तो हम इससे भी छोटे को भी बहुत जल्दी ही कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम 10^-12 तक का छोटा करते 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 पहुंच चुके हैं, वहां तक हम एक्यूरेटली मेजर अब कर सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी में। तो फिलहाल इस लेसन में इतना ही, और अभी टाइम पे और भी चीजें देखेंगे। अभी हमने शॉर्ट इंटरवल्स देखे हैं, अभी हम लॉन्ग इंटरवल्स की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।